हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं पीआरके अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के पर्सनल यूजर आईडी, और सेकेंड हम बात करने वाले हैं मतलब कि जो इंडियन रेलवे के ऑथोराइज एजेंट होते हैं उनकी आईडी के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, सारी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसे जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपके पास मतलब 99 लोगों के पास 100% यूजर आईडी होगी इंडियन रेलवे की, जो आप पर्सनल अपनी टिकट बुक करके यात्रा करते हो, वही तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसे में एजेंट लोगों के पास भी आईडियां होती हैं, जो ऑथराइज एजेंट होते हैं उनके पास परमिशन होती है टिकट बुक करने की। सबसे पहले पर्सनल यूजर आईडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं पर्सनल यूजर आईडी में क्या था पहले, कि आप अगर आधार मतलब लिंक नहीं करते थे तो उसमें से सिर्फ 6 टिकट महीने का बुक होता था। अगर आप उसमें आधार लिंक कर देते हो तो महीने का 12 टिकट आप बुक कर सकते हो। तो आप बात कर लेते हैं मतलब कि रेलवे एजेंट के बारे में। रेलवे एजेंट जो होते हैं महीना क्या मतलब एक दिन में ही जितनी चाहे टिकट वो बुक कर सकते हैं, और जितना कमीशन चाहे वो मतलब कि एक टिकट के पीछे वो काट सकते हैं। और उनको मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो पहले से उनका ही कमीशन पहले से ही बंधा होता है, 5 रुपया 6 रुपया 14 रुपया। हर क्लास के पीछे मतलब अलग अलग मतलब सिस्टम होते हैं उनके, कि मतलब स्लीपर क्लास में 13 रुपया आपको एक टिकट के पीछे मिलेगा, सेकेंड एसी में आपको 25 रुपये मिलेगा, इस तरह से उनका कमीशन होता है। अब बात करते हैं कि मतलब पर्सनल यूजर आईडी और एजेंट आईडी में क्या अंतर होते हैं। तो मैं सिंपल से आपको बताना चाहता हूँ, पर्सनल आईडी जो होती है उसमें सिर्फ आपका, अगर आपका ही टिकट बुक करना है अपने फैमिली का तो उसमें आप अपनी फैमिली का टिकट बुक कर सकते हो। और पर्सनल यूजर आईडी में एक और बात आपको बात बताता हूँ, अगर आपकी सिस्टर है, अगर उसकी मैरिड हो गई यानी शादी हो गई है तो उसका टिकट आप मतलब मैरिड अगर नहीं हुई है तो उसका टिकट आप बुक कर सकते हो। अगर उसकी मैरिड हो गई है तो फिर आप उसका टिकट बिल्कुल भी बुक नहीं कर सकते हो। अब आपको ये भी पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ पर्सनल यूजर आईडी वालों को, कि अगर उनके मतलब कि 12 टिकट या 15 टिकट अगर दूसरे का आप तत्काल टिकट निकालते हो अपने सिवा, मतलब इसमें क्या होता है आईआरसीटीसी खून का रिलेशनशिप मांगती है। अगर आपने पर्सनल यूजर आईडी बनाई हुई है तो आपका मतलब घर के जो भी है मतलब मम्मी पापा सिस्टर भाई बहन इनका टिकट अब मतलब कि आप जिसके नाम होता है आधार कार्ड पे मम्मी पापा, इस तरह से आप उनका ही टिकट मतलब बुक कर सकते हो। दूसरे का अदर पर्सन का टिकट आप अपनी पर्सनल यूजर आईडी से नहीं बुक कर सकते। अगर आप बुक करते हो तो फिर आपको जेल हो सकती है। और एजेंट आईडी में क्या है कि एजेंट जो होते हैं उनको अनलिमिटेड मतलब कि दिया जाता है, एक दिन में आप मतलब कि कितनी भी टिकट आप बुक कर लो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उनको मतलब आपसे वो कमीशन भी ले सकते हैं, मतलब कि एक टिकट के पीछे 50 रुपये 100 रुपये इस तरह से वो आपसे कमीशन भी ले सकते हैं। उनका ये ऑथराइज मतलब कि अथॉरिटी होती है, वो ले सकते हैं। मगर अगर आप पर्सनल यूजर आईडी से टिकट बुक करते हो तो भी उसे सेल कर सेल अगर मतलब उसे बेचते हो तत्काल टिकट या नॉर्मल टिकट बना के, तो आपको फिर से हो सकती है जेल। इसमें जेल होने के मतलब 100% से चार्ज होते हैं कि आपको जेल हो जाएगी। उसमें क्या होता है देखिए, पर्सनल यूजर आईडी वाले का प्रिंट और एजेंट का प्रिंट आप देखोगे तो बहुत डिफरेंस होता है। पर्सनल यूजर आईडी में अगर आप प्रिंट करोगे तो उसमें दी जाती है धारा, आपको उसमें लगाई जाती है कि अगर आप उस मतलब कोई कंप्लेंट करता है आपको तो मतलब जेल हो जाएगी। और ऑथराइज एजेंट जो टिकट काटते हैं उनमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एजेंट जो टिकट काटते हैं वो मतलब कि 100% लीगल है। मगर आप पर्सनल यूजर आईडी से अपने को छोड़ के मतलब अपना टिकट छोड़ के दूसरे का टिकट आप बुक करते हो, अगर सेल भी करते हो या सेल नहीं करते हो तो भैया बंद कर दो, नहीं तो आपको हो जाएगी जेल। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ पर्सनल यूजर आईडी वाले सिर्फ अपने घर का या मम्मी पापा का ही टिकट काटो, दूसरे अदर का मत काटो, वरना आपके घर पे पड़ जाएगा छापा आरपीएफ का, फिर आप रोते रह जाओगे, फिर बोलोगे कि हमने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। तो आप मतलब कोई भी दिमाग लगा लो, पर्सनल यूजर आईडी से किसी का टिकट मत निकालो, क्योंकि आपके जो आपका आधार कार्ड लिंक है उसमें से आप अपने हिसाब से अपने घर का टिकट बुक करते हो तो मतलब चेक
होता है हर बार, अगर उसमें से आपका जैसे सरनेम कोई भी हो गया, जैसे आपका विजय यादव से मतलब कि आपकी आईडी बनी हुई है, आप संजय 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 और किसी तरह से मतलब संजय रावत संजय यादव और किसी भी तरह के अटक लगा कर टिकट निकालते हो, तो IRCTC मतलब कि रेल RPF के द्वारा ये मैसेज चला जाता है कि आपने किसी अदर का टिकट बुक किया है, तो आपके ऊपर वो छापा मार देगी, आपको जेल हो जाएगी। और एजेंट लोगों को भाई कुछ भी नहीं होता, उनको अथॉरिटी होती है कि आप कितनी भी टिकट निकालो कुछ नहीं होगा उनको, भैया वो पैसे हर महीने के पैसे देते हैं, उनको अथॉरिटी दी जाती है कि आप टिकट बुक कर लो।